نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وإياك نستعين السلام عليكم वहम्ला वबरक़ नाजरीन व ईया कस्ता और हम अल्लाह से मदद तलब करते हैं वो हमारा मददगार है और यकीन अल्लाह से बढ़ कर कोई हमारी मदद नहीं कर सकता वही खालिक है खालिक हकीकी है अगर कोई हमारी मदद करता है तो वह भी अल्लाह की अत से करता है अल्लाह के फ़ल से करता है अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना अल्लाह की करम नवाजी है माह रमज़ान का महीना इसमें हमें गरीब गौरबा फ़ोरा मसाक्न का ख्याल रखना है ये भी एक बहुत बड़ा अमल है अल्लाह की बारगाह में बड़ा महबूब है अल्लाह के प्यारे हबीब शाह फरमाते हैं सुबह सवेरे सदका दो कि बला सदक़े के आगे कदम नहीं बढ़ाती सदका बलाओं को टाल देता है हमने सदकात देना छोड़ दिए हैं ये महीना लोगों के गम बांटने का है आप सदकात दें साहब हैसियतें ज़क़ात अदा करें गरीब फ़करा मसाकिन बेचारे कोरोना वायरस की वजह से जो मजदूर तबका है दिहाड़ी रोज़ काने कमाने वाला वो पिस गया लिहाजा अपने ख़ानदान में रिश्तेदारों में भाइयों बहनों में पहले गुरबा को मसाकिन फ़ोकरा को देखें अपने रिश्तेदारों में दोस्तों में गरीब की मदद करें ये रमज़ान का एक खासा है रमज़ान में हमने लोगों के दुख दर्द बांटने हैं रोज़ा की एक प्रैक्टिकल यानी कि प्रैक्टिकली तौर पर एक ये भी है कि आदमी भूखा रहता है तो उसको कमज़ोरों का भूखे रहने वालों का गरीब तबके का एहसास होता है कि भूख क्या चीज़ है क्योंकि उस वक्त हमारे आसाब कमज़ोर होते हैं रोज़े की हालत में तो हमें गरीबों का फ़ुकरा और मसाकिन का ख्याल आता है एक रोज़े रखने की ये भी एक हमत है अल्लाह ताला हमें गरीबों से प्यार नसीब फरमाए आज हम बात करेंगे सूर्य कुरेश की बरक़त सूर्य कुरेश यह अम्मा पाने में आखिरी सूरतों में इसकी बड़ी बरकतें सूर्य कुरेश एक दुआ सेफी है जिसको हजरत सैदाना मोलाय कायनात हजरत अलीदा शेर खुदा करमल करीम से जो मनकूल है सैदी सैदुलियाम शेख कादिर जिलानी भी इसको पढ़ा करते थे आप इसके आमिल थे दुआए सेफ़ी पढ़ने में कम से कम आधा घंटा चालीस मिनट लगते हैं बाद मशाइ फरमाते हैं, दु, दुआए सेफ़ी को पूरा पढ़ा जाए और सूर्य कुरेश को एक बार पढ़ा जाए इसकी तासीर बराबर सूर्य कुरेश दुश्मनों के लिए तलवार का काम करती है और ढाल का काम भी करती है यानी पढ़ने वाले की हिफाजत भी करती है और दुश्मन को नाकाम और मरदूद भी करती है तो सूर्य क्रेश को अपनी ज़िंदगी में तिलावत कुरान में इसको शामिल करें सूर्य कुरेश को कसरत से पढ़ें सूर्य कुरेश के अमाल बड़े अजीब व गरीब हैं इसकी बरकतें बहुत हैं इस सूर्य मुबारक के करिश्मे हैं सूर्य कुरेश आप आजमा लें आपके पीछे कोई दुश्मन लग गया हो और आपकी जान खतरे में हो आपकी इज़्ज़त खतरे में हो एक अमल बता रहा हूँ कि आप जहर की नमाज के बाद दिन में सूर्य क्रेश रोज़ाना इक्कीस बार पढ़ें चंद दिन में आप इसकी बरकत देखेंगे आपका दुश्मन नाकाम हो जाएगा चाहे आपकी जान का दुश्मन हो या आपकी इज्जत का दुश्मन हो तो सूर्य क्रेश रोज़ाना इक्कीस बार जहर के बाद पढ़ें मशाइ फरमाते हैं कि दुश्मन नाकाम और मरदूद हो जाएगा इसी तरह कोई भी खौफ आपको तारी हो जाता है तो आप सूर्य कुरेश पढ़ के घर से निकल जाएँ अलहमदिल्ला आपका खौफ जायल हो जाएगा नमाजों में कसरत के साथ सूर्य कुरेश पढ़ा करें सूर्य कुरेश पढ़ने वाला कभी नाकाम और महदूद नहीं होता सूर क्रेश पढ़ने वाला हमेशा तरक्की रिस्क के लिए वाम तो आहूम भी इसमें अल्फाज है सूर क्रेश रोज़गार के लिए बड़ी असर है जिस पर कर्ज हो गया हो जिसको रोज़गार ना मिलता हो मादी माली बदहाली हो कर्ज़ा हो गया हो सूर क्रेश एक तस्वीर रोजाना सुबह पढ़ें और फिर आप इसके करिश्मे देखें आपके काम बनते चले जाएंगे कुरान को अच्छा करें तलफ़ अच्छे हों मखारिज अच्छे हों सूर क्रेश को कसरत से पढ़ें इन अल्लाह तब आपको कामयाब और कामरान करेगा जवाल नेमत से भी बचाए आइए देखते हैं आज कौन है हमारे साथ क्या सवाल आते हैं शहरी कराची से ये कहती है मेरे शौहर गुस्से के बहुत तेज़ हैं मुलाजमत भी इसी वजह से कायम नहीं रहती रिश्तेदारों से दुश्मनी भी पाल ली है और मोहल्ले वालों से भी उनकी नहीं बनती कोई ऐसा रूहानी हल बताएं कि उनका गुस्सा कम हो जाए और लोगों के साथ ताल्लुक मामूल पर आ जाएँ अकबर बड़ा बेहतरीन वजीफा है जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुश्मनों से भी निजात होगी और मामला भी अच्छा होंगे आप रोज़ाना मेरी बहन सूर्य कुरेश सत्तर बार पढ़ें रोज़ाना सूर्य कुरेश सत्तर बार पढ़ें माली तौर पर भी फ़ायदा होगा दुश्मनों से भी बच जाएंगे और इन घर के मामला भी अच्छे होंगे इसको मामूल बनाएं कम से कम फोटी डेज़ फिर इसकी बरकत नसीबों तो इसको जारी रखें अयूब साहब क़तर से हमारे साथ इनका सवाल ही कहते हैं हासिद लोगों से हिफाजत के लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए सही बात है हर जी नेमत हसद किया जाता है आज जो तरक्की करता है लोग उससे जलते हैं भाई ख़ुद भी मेहनत करें खुद भी कोशिश करें निकलें कामयाब लोगों के साथ हसद करते हैं हमेशा जिसकी आवाज़ अच्छी हो लोग उससे हसर करते हैं जो खूबसूरत हो उससे भी हसद किया जाता है तो जिसके पास माल और दौलत हो जिसके पास मरतबा हो मनसब हो उससे भी हसद करते हैं तो हदीसी पाक का मफहूम है कि हर जी नमत से हसद किया जाता है नमत की क़दर करें हासीदीन से बचें और इससे हिफाजत का एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ अगर आप चाहते हैं कि आपकी हासीदीन से हिफाज़त हो तो आप जब भी सुबह उठें मेहरबानी कर कर बावज़ु हों और या वहाँ बो या वहाँ बो आप ये कम से कम पाँच सौ बार पढ़ें इन नेमतों में इजाफ़ा होगा और इन दुश्मन से हासी से आपकी हिफाज़त होगी मसूद हैं सियालकोट से ये कहते हैं मैं फ़र्स्ट ईयर का तालबिल हूँ अपने कॉलेज के अंदर एक अच्छे मकाम पर हूँ यानी मैं अपनी क्लास में मोनीटर हूँ और पोजिशन होल्डर हूँ मैं चाहता हूँ मेरी इज्जत बरकरार रहे और मैं कामयाब रहूँ कॉलेज में मेरी इज्जत में इजाफा हो और मेरा मरतबा बाहर रहे यानी मोनीटर है एक अच्छा मकाम है अल्लाह तीन इनको कामयाब फरमाए तो इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है आप अल्लाह हसब्ला अरश अरशीम के रब के साथ तल्लु क़ायम करें सूर तोबा ग्यारहवा पारा उसकी आखिरी आयत सुबह सात मरतबा और शाम को सात मरतबा पढ़ें इनशा आप कभी नाकाम नहीं होंगे छोटा सा अमल है बड़ा मुजर्रब है कामयाबी है तिरिमीज़ी की हदीस है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लाया जो हसब भील्ला ये आयत सुबह और शाम सात सात बार पढ़ ले दुनिया और आखरत के हर गम के लिए काफ़ी है अल्लाह ताला उसको खुशहाल रखेगा अच्छा ये ज़रीना है खैरपुर से सिंध का ये शहर है ये कहती है मेरे सर में अक्सर दर्द रहता है और सर दर्द की वजह से आराम नहीं आता बरए मेहरबानी इसका कोई हल बता दें ब्लड प्रेशर चेक कराया करें जब भी सर में दर्द हो उसको इसको नहीं लिया करें ब्लड प्रेशर चेक कराया करें माजल्ल आबाद लोग लापरवाही करते हैं ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है नमक का इस्तेमाल कम करें और इसी तरह बाहर के खाने ना खाएं हम लोग चटपटे खाने खाते हैं गैसिस होती हैं सर पे चढ़ती हैं अच्छे डॉक्टर को दिखाएं तबीब से भी इलाज करवाएं अच्छे मालिज को और आप उससे इलाज करवाएं और उस दर्द के सर के दर्द के लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा मैं आज कर रहा हूँ इन बड़ा इफाक़ा होगा जब भी आपके सर में दर्द हो आप बावज़ु शहादत उंगली से माथे पर लिखें बसमिल्ल ये मेरा आजमूदा है हम कोई भी दर्द का मरीज़ हो शादत गुणी से लिखते हैं बि उसके दर्द का सर का दर्द दूर हो जाता है ये मुजर्रब है आज़मुदा है तो शादत गुणी से माथे पर बसमिल्ल रिम इंशाल्लाह आपके सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा अल्लाह ताला आपको सेहत दे तंदुरुस्ती दे आपकी इज़्ज़त होगी अल्लाह आपको खुशहाल करे हमारे जितने नाजरीन हैं सामीन हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह तला सबको शाद और आबाद रखे आपकी दुआएं कबूल हों माह रमज़ान की इबादत अल्लाह कबूल फरमाए रोज़े सैरी इफ्तारी अल्लाह ताला हम सब के हाल जहार पर रहम करम फरमाए पाकिस्तान को सलामत रखे अपना ख्याल रखिएगा मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ इजाज़त दीजिएगा फिर मुलाकात होती है वामा अलै ना मुबीन